नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुश दुबे और आज मेरे साथ चर्चा में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो कि भोजपुरी लाइन में सिंगर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी सिंगर हैं। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगे और अच्छी भी लगे। तो देखिए, जो कड़वा होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। नीम का पत्ता कड़वा होता है लेकिन अच्छा होता है। कहते हैं कि जो ज्यादा मीठा बोलता है उसी से खतरा होता है। तो मैं आपको बहुत ही कड़वी कड़वी बात बोलूंगा और ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगर हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहली बात, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि भैया मुझे सिंगर बनना है, भैया मुझे ये करना है, भैया मैं ये करना चाहता हूं, और कमेंट के साथ साथ अपना नंबर डालते हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं। कभी भी कोई कमेंट करिए, आप नंबर अपना मत डालिए। हो सकता है कोई दूसरा आदमी आपको कॉल करे, बहलाए फुसलाए, बोले मेरे पास ये ऑफर है, ऐसा ऑफर है, आप यहां आ जाइए, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, खेसारी लाल यादव बना दूंगा, पवन सिंह बना दूंगा, फलाना ढिकाना, जो भी ऐसी बात आपको करे। तो कुछ लोग क्या होते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, झांसे में आ जाते हैं। कभी भी आप कमेंट करिए, खासतौर में मेरी वीडियोस पर आप कमेंट करते हैं तो ये मत लिखिए भैया मैं सिंगर बनना चाहता हूं, कॉल मी और नंबर डाल देते हैं, मत डालिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑफर ऑफर आजकल बहुत लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इतने पैसे पे इतना गाना, इतने चीजों पे इतना चीज, गलत बात। ऑफर का मतलब होता है धोखा, मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जहां तक मैं जानता हूं, इसका लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। जिस माल में इफेक्ट होता है वही सस्ता बिकता है, जैसे कि मंगल बाजार, बुध बाजार, ये मार्केट वो मार्केट। एडिडास के जूते भी कभी कभी 2000 बिकते हैं, जो कि उनके रेट होते हैं 15000। क्यों बिकते हैं, उनमें इफेक्ट होता है। ऑफर का मतलब होता है धोखा, आपको ऑफर मिलेगा, ऑफर में कभी मत जाइए। आप काम देखिए, क्वालिटी देखिए। लोग कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप एक 200 की शर्ट लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, कितनी बार उसको देखते हैं, पहन के शीशे के सामने दोस्तों से पूछते हैं, फोटो खींचते हैं, फिर भी प्राइस कम कराते हैं, तो आप किसी ऑफर की जांच क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं जांच? आप बाद में आप कहते हैं भैया हमारे साथ ये गलत हो गया, भैया हमें यहां धोखा मिल गया। धोखा करने वाला गलत नहीं है, धोखा खाने वाले आप गलत हो। कोई भी ऑफर डालता है कि 15000 में 50 गाने, 30 गाने, 20 गाने, 10 गाने, जो भी डालता है, आप सोचा करो कि कैसे इंसान हमें 15000 में 10 गाने दे सकता है। 15000 में 10 गाने कैसे ऑडियो बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर बनेगा तो ना सुनने लायक होगा ना सुनाने लायक होगा। ऑफर से बचिए, काम करिए अच्छा, पैसा एक बार लगाइए, बार बार मत लगाइए। महीने में एक ही ऑडियो निकालिए, एक ही वीडियो निकालिए। एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, इस लेवल का बनाओ, अच्छा बनाओगे हिट हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, ठिकाना हो जाओगे। दोस्तों जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, अगर आप नई सिंगिंग कर रहे हैं तो महंगा वीडियो बनाए चक्कर मत पड़िए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बड़े बड़े स्टार लोगों की वीडियो उठा के देख लो, एक दो वीडियो की बात नहीं करता हूं, नहीं तो आप देखिए वीडियो कैसी बनती है, एक ही कॉस्ट्यूम में खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे जो स्टार हैं वीडियो में पैसा खर्चा नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो आप न्यू कमर हैं, ऑडियो अच्छी बनाइए, वीडियो हल्की भी चलेगी। क्यों चलेगी उसका रीजन बता रहा हूं। यूट्यूब से जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है, आप कितना भी बढ़िया वीडियो बना के ले जाइए, 50 लाख की वीडियो उनको बना के दे दीजिए, फिर भी आपसे रिलीजिंग चार्ज मांगते हैं ना। आप अगर 1000 की, 2000 की, 3000 की वीडियो बना के लेके जाते हैं, अगर पैसा खर्चा करते हैं तो भी आपसे रिलीजिंग चार्ज मांगी जाती है, और 20000 खर्चा करते हैं वीडियो में तो भी रिलीजिंग चार्ज मांगी जाती है, तो आपका फायदा कहां हुआ? और दर्शक भी कितना आते हैं, जो चोली साय वाले गाने में दर्शक आते हैं वही आप कैसा भी गाना वैसे ही दर्शक आ रहे हैं, तो आप वीडियो में पैसा ज्यादा मत खर्चा कीजिए। दूसरी बात, बहुत लोग फोन करते हैं भैया मुझे इस राइटर से गाना चाहिए क्योंकि ये राइटर ने ये गाना लिखा है तो ये बंदा हिट हो गया है, भैया मुझे इस राइटर से गाना चाहिए ये बंदा लिखा है तो बंदा हिट हो गया है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर राइटर को पता हो कि मेरा ये गाना हिट हो रहा है तो वो भगवान हो गया फिर। अगर म्यूजिक डायरेक्टर को पता हो कि मेरा म्यूजिक हिट हो रहा है तो भगवान हो गया फिर। किसी भी राइटर को ये नहीं पता होता है कि मेरा ये गाना हिट होने वाला है, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं पता होता है कि मेरा म्यूजिक हिट होने वाला है।
अगर राइटर को पता हो, अगर राइटर को पता हो तो खुद ना गा लेगा ना, खुद ना हिट हो जाए, खुद ना स्टार बन जाए, खुद ना पैसे कमा ले। किसी को नहीं पता होता है, लक बाई चांस होता है, अच्छा लिरिक्स होता है, हर राइटर को अपना गाना पसंद होता है, हर म्यूजिक डायरेक्टर को अपना म्यूजिक पसंद होता है। आप ये मत सोचिए कि अगर ये स्टार गाना गाता है उस राइटर का तो हम भी उसका गाना गाएंगे हिट हो जाएंगे, नहीं, आप अपना पैसा खराब करेंगे। बिकॉज वो राइटर हिट हो चुका है, आपसे 3,000 लेगा, 4,000 लेगा, 5,000 लेगा, 10,000 लेगा गाने का। मैं किसी राइटर की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, ना किसी बिजनेस के बीच में आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं अपने तरीके से, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है वो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर किसी राइटर गाना एक हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गाने उसके हिट हो गए। अगर ऐसा है, आप लोग कहते हैं फोन करके कि भैया मुझे उस राइटर का गाना चाहिए, उसका गाना हिट हुआ है, तो इतना उसने गाना लिखा है पहले और लिख भी रहा है, तो उसके गाने हिट क्यों नहीं हो रहे हैं? जबकि जिस सिंगर के लिए लिखा उसने, उसी सिंगर ने गाया, वो गाना हिट हो गया, वही सिंगर फिर से गाना उसी गा रहा है, तो हिट नहीं हो रहा है। तो आप लोग ये भी सोचिए कि अगर किसी राइटर ने गाना लिखा, वो सिंगर हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है उसी राइटर गाना आप गाएंगे तो आप भी हिट हो जाएंगे। ऐसा ही सेम म्यूजिक का भी है। अगर कोई म्यूजिक बनाता है, वो म्यूजिक उसका हिट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है आप भी वहां म्यूजिक बनाएंगे तो आप भी हिट हो जाएंगे। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज के युवा हैं, सोच समझ के पैसा लगाइए, पैसा पेड़ में नहीं उगता है, न्यूकमर हैं आप। दूसरी चीज गौर फरमाइए, जो आपको व्हाट्सएप पे डेली भेजे कि इतना ऑफर इतने पैसे में, जो फेसबुक पे भेजे इतना ऑफर इतने पैसे में, समझ जाइए वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, घातक है। ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है लोगों को फंसाने का, नए लोगों को लुभाने का कि ऑफर के चक्कर में आ जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ऑफर, आप खुद ही सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो तो ऑफर नहीं डालती हैं, वो तो ऑफर नहीं डालती। ऑफर कौन डालता है? जिसके माल में खराबी होती है। अगर हमारा माल सही है तो ऑफर क्यों डालेंगे? अगर मैं अच्छी मिठाई बनाता हूं तो मैं 100 रुपए किलो ही बेचूंगा, 99 रुपीज किलो नहीं बेचूंगा। इसका मतलब मेरी मिठाई खराब हो रही है या जंग लग रहा है, जो भी है, ए टू जेड मिठाई खराब है, इसलिए मैं सस्ती उसको बेच रहा हूं, निकल जाए ताकि खराब ना होवे। तो आप लोग समझदार हैं, ऑफर के झांसे में ना आए। ऑफर मतलब गलत। दूसरी चीज आ रहा हूं मैं, बहुत लोग बोलते हैं एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ। आप लोग झांसे में आ जाते हो कि 30,000 मुझे 20 गाने मिल रहे हैं, 40,000 मुझे इतने गाने मिल रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, एक पैंट लेने के लिए जाते हो आप, उसको मार्जिन करते हो, पैसा घटाते हो, पहन के देखते हो, जानते हो। आप एग्रीमेंट बनाने से पहले ये तो जान लीजिए कि जिस इंसान के साथ आप काम करने जा रहे हैं वो इंसान कैसा है, वो काम कैसा करता है, उसकी कंपनी कैसी है, उसके सब्सक्राइबर कैसे हैं, उसके व्यूअर कैसे हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके साथ सिंगर जो काम कर रहा है कैसा है, उसके कंपनी में राइटर कौन है, कैसा लिखा जा रहा है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है। छानबीन नहीं करेंगे आप, 40,000 रुपए दे देंगे और देने के बाद क्या फिर पछताएंगे, भैया काम अच्छा नहीं हुआ। आपको क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट बनाने से पहले उस इंसान के साथ, उस कंपनी के साथ एक गाने, दो गाने, तीन गाने आप बना लीजिए, देख लीजिए आपके ऑडियो मेहनत करता है कि नहीं करता है, वीडियो में करता है कि नहीं करता है, रिलीज करने के बाद फिर वो आपके प्रमोशन में, जो मेन चीज होता है प्रमोशन, आपके गाने को कम्युनिटी में मारता है नहीं मारता है, दो चार बार फेसबुक में शेयर करता है कि नहीं करता है, दो चार बार, हर कंपनी का फेसबुक में भी अकाउंट होता है, पेज होता है और यूट्यूब में भी होता है, आपके गानों को वो फेसबुक में चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है। आप सिर्फ ऑफर मिला आपको 30,000 एग्रीमेंट, भैया साइन कर रहा हूं, देखो पक्का रसीद दे रहा हूं, भैया ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, फलाने ठिकाने फंस जाते हो आप लोग। अरे भाई, आप किसी को बिना जांचे बिना पहचाने कैसे काम कर सकते हो? आपने मान लीजिए आपने एग्रीमेंट बना लिया एक साल का, आपने 30,000 रुपए दे दिए, अगर वो इंसान अच्छा काम नहीं करता है उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास तो कानून का भी हथकंडा खत्म हो गया, किसको कंप्लेन करोगे, क्या बोलोगे? वो साफ साफ बोलेगा मैंने एग्रीमेंट बना रखा है, उसमें ये तो नहीं लिखा होता है कि अच्छा काम करूंगा, लिखा होता है क्या अच्छा काम करूंगा, कहीं लिखा होता है? आप एकाध ऑडियो वीडियोस के साथ करिए सिर्फ, और आपको मजा आए तब आगे भी करिए, नहीं तो ना करिए। किसी के ऑफर के, किसी के एग्रीमेंट के झांसे में ना आइए,
इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी कंपनी के खिलाफ, किसी राइटर के खिलाफ, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के खिलाफ। मैं सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ, जो ये आजकल बिजनेस चला है, बहुत बहुत ज्यादा बिजनेस चला है। एक चीज और, आप लोग फोन करते हो, आप लोग बोलते हो भैया मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, भैया मैं बहुत गरीब हूं। नहीं, कभी मत कहिए मैं गरीब हूं। गरीब का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। मैंने अपनी लाइफ 300 रुपए से स्टार्ट की है, महीने का 300 कमाता था पहले मैं। खैर वो छोड़िए, तो मेरी बात है, कभी भी आप फोन करिए, आप बोलिए मैं टैलेंटेड हूं। आपको बोलना है, क्या बोलेंगे आप? आपसे ही बोल रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो ना, क्या बोलेंगे आप? मैं टैलेंटेड हूं। क्योंकि टैलेंटेड आदमी के लिए हर आदमी कुर्सी छोड़ देता है, और गरीब आदमी के लिए भूल जाइए, गरीब आदमी का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, उपहास किया जाता है। अगर इंसान जान जाएगा कि आप गरीब हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप दबे हो, कुचले हो, तो आपके साथ गलत ही होगा। आप साफ साफ बोलिए, मैं टैलेंटेड आदमी हूं सर, मुझे काम करना है आपके साथ, क्या मैं कर सकता हूं? गरीब कभी मत बोलिए, कौन नहीं था गरीब? 50 उदाहरण है मेरे पास, जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हुए, स्टार बने बैठे हुए हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। गरीब से अमीर और अमीर से आदमी गरीब बनता है। रंग और राजा भगवान के हाथ में, जैसा जो मेहनत करेगा वैसा फल पाएगा। लोग बोलते हैं पवन सिंह ने मेहनत की है रात दिन, खेसारी ने मेहनत की है रात दिन। कोई किसी को स्टार नहीं बनाता है, लोग कहते हैं मैंने इसको ये बना दिया, कोई नहीं बनाता किसी को, अपनी मेहनत, अपना लक और भगवान, वो बनाता है स्टार। आपको कोई स्टार नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना सकता है। एक चीज और, बहुत लोग ट्रैक पे गाते हैं गाना, गाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, ट्रैक पे स्टार लोग गाते हैं तो उनका गाना हिट हो जाता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे एक आदमी बताओ जो ट्रैक पे गाना गा के स्टार बन गया हो, नहीं ना? तो ट्रैक पे गाना क्यों गाते हैं आप? जो नए नए कलाकार हैं, अगर आप ट्रैक पे गाना गाओगे तो आप कभी नहीं हिट होगे। आप ट्रैक पे मत गाओ, आप न्यू कंपोजिशन में गाना गाओ, क्योंकि अगर आप गाएंगे तो आपका नाम नहीं होगा, जिसका ट्रैक होगा उसका नाम होगा। ट्रैक में अगर कोई स्टार गाता है, आपका गाना उठा के गा दिया, तो बल्कि आप दब जाओगे, उसका गाना चल जाएगा, लेकिन आपका गाना नहीं चलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी, ट्रैक पे गाने मत गाइए। वैसे भी ट्रैक तो बंद ही हो गया, लेकिन फिर भी अगर कंपनी का भी ट्रैक है तो कंपनी के ट्रैक पे भी मत गाइए, वहां से भी रिलीज मत करिए, उससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होगा। दूसरी चीज, बहुत लोग डीजे ट्रैक पे गाते हैं, ढिचिक 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 ढिचिक। चलो मैं मानता हूं कि कुछ डीजे ट्रैक के गाने भी हिट हो गए हैं, तो आप लोगों ने वही बना लिया है। म्यूजिक का मतलब होता है सर में दर्द ना हो, म्यूजिक का मतलब होता है थकान हो, आदमी को उतर जाए। चलो मैं मानता हूं पैसे नहीं होते, आदमी डीजे ट्रैक कटवा के गा लेता, चलिए ठीक है गाइए, लेकिन आप मुझे बताइए, जाय चंदा डीजे ट्रैक में था, पतई के पानी डीजे ट्रैक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। अभी जो टीएफ से गाना आया हुआ था, टिकली सटले बानी, डीजे ट्रैक है। आप मेरी बात को गौर करिए, खेसारी जी ने गाया, ठीक है, क्या डीजे ट्रैक में था? पवन सिंह इतने गाने हैं, क्या डीजे ट्रैक में है? जितने भी स्टार के गाने आते हैं, क्या डीजे ट्रैक में आते हैं? डीजे ट्रैक में गाते हैं वो, बल्कि उनका डीजे बनाया जाता है। डीजे ट्रैक कोशिश करिए ना गाइए, अच्छे गाने गाइए, समाज के लिए अच्छे गाने लाइए और मेहनत करते रहिए। और सबसे पहली बात, आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो एक गाने, दो गाने, तीन गाने, चार गाने, पांच गाने का कभी स्टार नहीं बन सकते हैं। वो बहुत ज्यादा लक होता है कि पहला गाना आपका चला, आप स्टार बन गए। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी पहले घर देखिए, फैमिली देखिए, अपनी जेब देखिए, अपनी पोजिशन देखिए और खुद को उस लायक देखिए। एल्बम करने का मतलब है आपके दिल में इच्छा है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं। अगर सिंगर बनना होता तो आप रियलिटी शो में जाते, सारेगामापा में जाते, सुर संग्राम में जाते, सुर विजेता में जाते, वहां सिंगर बनने जाते हैं। आपको अगर हीरो बनना है तभी आप एल्बम कर रहे हो। आप अपने अंदर झांको, आपको डांस आता है, आपको एक्शन आता है, आपको डायलॉग आता है, अगर आता है तो पैसे लगाइए ना, आप पैसे वेस्ट मत करिए, आप पैसे वेस्ट मत करिए। पैसा बहुत कीमती चीज होती है, माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चे, आपसे उम्मीद क्या लगाते हैं कि वो इंसान है मुझे पैसे कमा के देगा, मुझे खिलाएगा, मुझे पिलाएगा, दो चार गाने गा के लूट लुटा के फिर आप लोग जाते हैं, फिर वही गाली देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है। नहीं,
भोजपुरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, भोजपुरी खराब नहीं है, हमारा यूपी बिहार खराब नहीं, हमारा भारत हमारा इंडिया खराब नहीं है, हम खराब है। हम सोचते नहीं है, सोचते हैं 10,000 रुपए है, 3-4 गाने गाएंगे, स्टार बन जाएंगे, फिर रोके बैठते हैं। नहीं, आप सोचिए कि आपको 2-3-4 साल गाने गाने हैं, कैसे गाएंगे? गरीब होके गाएंगे? नहीं, टैलेंट होके गाएंगे। कैसे करेंगे? सीखेंगे। सीखो। क्या मैथिली ठाकुर यूट्यूब में गाने गा के स्टार बनी है? कौन नहीं जानता आज उस बेटी को, कौन नहीं जानता उन नन्ही बच्ची को, कहां कहां इवेंट कर रही हो, कहां कहां शो कर रही है, फेसबुक में उसने अपना पेज बनाया, आज उसको लाखों करोड़ लोग जानते हैं, कहां कहां उन्हें गाना गाती है आजकल। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब में गाना गाएंगे तभी आप स्टार बनेंगे। आपके अंदर टैलेंट है, फेसबुक बनाइए, आप फेसबुक में गाना गाइए, अपलोड करिए, हम सपोर्ट करेंगे, पूरी चर्चा की टीम सपोर्ट करेगी आपको। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो मैं गारंटी लेता हूं, आप चर्चा में आइए, हम आपके टैलेंट को निखारेंगे, संवारेंगे और आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ना हारेंगे ना हारने देंगे। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, रात दिन निकल जाएगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा। बहुत मजबूरी में आपके मुझे कहना पड़ा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं, मैं जवाब दे देके थक चुका हूं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि आप लोग सुन लो। ऐसी चीजें ना करें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। अगर आपको कोई बुरी बात लगी हो तो कोई बात नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। लगेगी बुरी बात, कड़वी लगेगी, तभी वो दवाई का काम करेगी। अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो मीठा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिए चर्चा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, यानी कि कुछ दुबे के साथ। तब तक के लिए आप सबको कुछ दुबे का नमस्कार।